घोड़दौड़ी के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार को लेकर अव्यवस्थाएं फैली हुई है। संविदा कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के तहत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने के निर्णय को लेकर विरोध कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से उनको वेतन कम दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं हड़ताल कर्मचारी सुशील सिंह ने कहा कि बैठक के बाद साथियों के साथ विचार करके आगे की रणनीति तय करेंगे। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। निस्तारण तो एक तरह से हम शून्य ही मान रहे फिलहाल इसको, क्योंकि जिस हिसाब से हमें 570 रुपये की दर से वेतन वितरण किया जाता था, उस हिसाब से देखा जाए तो जो हम टेंडर पे आ रहे हैं वो बिल्कुल 50% लॉस के उस पे आ रहे हैं सैलरी पे, जो कि हम कर्मचारियों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से शासन ने बिना विस्तारीकरण के हमें 570 रुपये की दर से वेतन वितरण किया PRD के माध्यम से, जब तक हमारे पद सृजित नहीं होते उसी तरह से ये व्यवस्था यथावत चलती रहे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में अभी एक हम लोगों ने मध्यस्थ के लिए या एक वार्ता दोनों पक्षों से की गई है, उसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने जो भी फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने रखे हैं और फाइनली इसमें ये पीसफुल सोल्यूशन के लिए यही कहा गया है कि 245 के आसपास में जो अप्रूवल मिला है शासन स्तर से कि कॉलेज के संसाधनों के आधार पर कॉलेज उसे रख सकता है एम्प्लॉयज़ को, तो उसी लाइन पर एम्प्लॉयज़ को भी ये कहा गया कि अगर वो पीसफुली इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो उस कंडीशन में फर्दर उनकी जो डिमांड है वो शासन स्तर पर प्रेषित की जा सकती है।